कौन सा रिश्ता देखना पसंद करेंगे आप? देखिए साहब, मेरे बच्चे का रिश्ता लगाना है। मेरा बच्चा जो है अमेरिका से मास्टर्स करके आया। माशाल्लाह, क्या बात है, ऐसे बच्चे आजकल बहुत कम देखने को मिलते। 1.5 लाख रुपए महीना कमाता। क्या बात है साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके हिसाब से मेरे को जो है बच्ची वाले खानदानी पैसे वाले। अरे आप टेंशन मत लीजिए साहब, ऐसी रिश्ते रहते अपने पास भी, आपके हिसाब के रिश्ते हैं पूरे। बोलिए आप। खैरिए आप पहले मेरे डिमांड सुन लीजिए। जी बताइए। देखिए साहब, बच्ची जो है पढ़ी लिखी रहना, खूबसूरत रहना और खानदानी रहना। हमारे बच्चे को एक घर देना, एक कार देना और बिजनेस अच्छा एक सेट होके जिंदगी गुजार लिए जाता है। एक जबरदस्त बिजनेस लगा के देना। और क्या है, 10 लाख रुपए दे दिए तो बैकअप में रहता, बिजनेस में कुछ भी ऐसा नुकसान हुआ था। अरे भाई जान, बहुत सही जगह आए आप, आपका काम हो गया समझिए। एक बेहतरीन पार्टी है मेरे पास, आपके जैसे लोगों को तलाश कर रहे थे। और लोग सही में एक फोन कर लेते हैं, यहीं है तो बुला लेता हूँ। बुला लो बुला लो बुला लो। सलाम वालेकुम साहब, नूर भाई बात कर रहा हूँ, रिश्ते वाले। आप परसों आगे गए थे ना ऑफिस पे साहब, आप जैसे लोग चाह रहे थे ना वैसे लोग मिल गए, आपका काम हो जाता सर का दिख रहा। जी आओ। नहीं साहब, आप बोले थे देखिए कोई भी भिखारी आए तो या मुस्तहिद जरूरतमंद लोग आए तो खैर खराब निकालेंगे बोल के। भिखारी किसको बोल रहा हो? अरे हट, गंदा किसका पकड़ रहा है? भिखारी किसको बोल रहा है तुम? तुम्हारे को भिखारी बोलना, भिखारी की बेइज्जती करना है। भिखारियां तो भी तुम जैसे लोगों से लाखदर्दी अच्छे रहते जो हाथ फैला के भीख मांगते, लेकिन तुम जैसे लोग भिखारियों से गए गुजरे बदतर है जो जहेज के नाम पे अपने बेटों को बेचते। जिसको देखो उसको बच्ची वाले पैसे वाले होना, जहेज होना। अगर तुम जैसे लोगों की सोच सबकी हो जाएंगी तो गरीब शरीफ बच्चियां कहां जाएंगे? तुम्हारे जैसे सोच वाले लोगों की तरफ से कई बेचारे बच्चियां घर में कुंवारे बैठे हुए हैं जिसके रिश्ते नहीं हो रहे। अगर हर किसी को पैसे वाली बच्ची मिलेंगी तो गरीब शरीफ बच्चियां कहां जाएंगे? क्या करते हो? पैसा पैसा पैसा। ऊपर वाला तुम्हारा औलाद दिया, बेटे दिया, शुक्र अदा करो, हाथ पैर सलामत है, सब अच्छा है, तंदुरुस्त है। अगर खुदा ना खासा है हाथ पैर तुम्हारे बच्चे का टूट जाएगा तो बच्ची वालों को तुम लोगों को पैसे देके करना पड़ेगा शादी। अगर किसी बच्ची को देख रहे हैं आप शादी के लिए तो ये देखिए कि अच्छी अखलाक वाली है क्या, ये मत देखिए कि कितना दहेज दे रहे। अच्छे अखलाक वाली बच्ची नस्लों को अच्छा एप्लीकेशन तैयार रखिए आप। भाई आप मेरे आंखा खोल दिए भाई, मैं बच्चे के मामू के बातों में आ गया था भाई। उन्होंने बोले बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा कमा रहा, पैसे वाले मिलते पैसा देते, अपन अपने डिमांड रखना, अपन बच्चे वाले है। बच्चे वाले बोले तो अलग रुबाब रहता, मगर आप आज वाकई में बहुत बड़ी बात करे भाई, मेरे को एहसास दिला दिया आप। वाकई में भाई एक ना एक दिन ये सब चीज़ें छोड़ के जाना है भाई, और मैं बहुत गलत काम करने जा रहा था भाई। अच्छा हुआ आप बता दिए मेरे को, ये बहुत बड़ा गुनाह है भाई। अब मेरे को बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, खूबसूरत नहीं, पैसे वाले नहीं, कुछ नहीं होना भाई। अब गरीब और शरीफ बच्ची से शादी करना है मेरे बेटे की। नहीं साहब, मेरा भी बोलना वही है। देखिए अगर हर कोई पैसे वाली बच्चियों के पीछे जाएंगे तो बेचारे गरीब शरीफ बच्चियां काटेंगे। बोलिए आप। अब गरीब और शरीफ बच्ची से शादी करना है मेरे बेटे की। मेरी सुन के अच्छा लिखा मेरे को। अगर आपको जैसा बात समझ में आ गई ना साहब, ऐसी अगर हर किसी को ये बात समझ में आ गई ना तो ये मसले खत्म हो जाते जहेज के। और अगर आपके पास इस्तेदात है तो और एक मशवरा देना चाहूंगा, जो गरीब शरीफ बच्चे बच्चियां रहते जिसकी शादी करने की इस्तेदात नहीं रहती, उन लोगों की मदद करिए साहब, आपको इसका अजर मिलेगा भाई। बिल्कुल, कभी भी आप कभी ऐसा आया कोई गरीब बच्ची है जिसके पास इस्तेदात नहीं है करने की, बिल्कुल आप मेरे को एक फोन कर दीजिए। हमारा 4 दोस्त जो भी है मिलके पूरा खर्चा उठा लेंगे, हमारे से जो हुआ हम करेंगे और सवाब जितना हो सके उतना कमाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल साहब, अगर मेरे पास भी ऐसे कोई जरूरतमंद लोग आए तो मैं आपको एक कॉल कर देता हूँ। आप आपके 4 दोस्तों को बोल के जितने थोड़े थोड़े जिसके पास ये पैसे जमा हो रहे करके बच्ची वालों को दे डाले तो बेचारों की शादी हो जाती, दुआ लगती। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम। जहेज लेना रिश्वत लेने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। जहेज मांगने से कई बेहतर है कि रोडों पे हाथ फैला के भीख मांगना। और जो लोग बच्ची वालों पे डिमांड करके उन लोगों के पैसे लेके उन लोगों के टुकड़ों पे पलते उन लोगों के पैसों पे अय्याशियां करते, उन लोगों की जिंदगी से कई ज्यादा बेहतर तो गधे की जिंदगी रहती।
और लड़की वालों को भी एक मशवरा देना चाहूंगा कि आप लोग रिश्तों में ज्यादा ऐप मत निकालिए। ये देखिए कि आपकी लड़की के बराबर वो रिश्ता जम सकता है तो फौरन उसको पक्का कर दीजिए। दरियाफियों के ज्यादा चक्करों में घुस के लड़कियों की जिंदगियां खराब मत करिए। लड़कियां कई सारे घर में बैठे हुए हैं। और एक बात, जिसके पास इस्तेताद है, जो लोग अपनी खुशी का इजहार करके जो लोग घर भर रहे हैं, उन लोगों का भी अपना जरा ख्याल रखिए कि ताकि जो गरीब है उन्हें कैसे करेंगे, आपकी खुशी के चक्कर में दूसरे जिंदगियां खराब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।